तो ये है मेरे हर दिन की कहानी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जल्दी ट्विस्ट आने वाला है। चलो उस ट्विस्ट को देखते हैं। यार आज तो मैं जो असाइनमेंट मिला था वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन थैंक गॉड आज मैं टाइम पे तो ऑफिस जाऊंगा। हर दिन मेरे को मेरा बॉस डांट रहा है कि भाई कम से कम एक दिन टाइम पे आओ। इनफैक्ट मैं 3 दिन से टाइम पे जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बोला जा रहा है कि मैं लेट आ रहा हूँ। भाई चलो अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब पे जाता हूँ, बॉस को समझाता हूँ यार कि मैं भी इंसान हूँ, समझता नहीं है भाई, क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन अभी जल्दी से मैं ऑफिस जाता हूँ भाई। मैं फिर से राह देखता रह गया, मुझे सुबह का खाना मिला ही नहीं, ये क्या चल रहा है, मैं इस घर में बहुत सैड हूँ। Later that same evening, भाई यार आज तो फिर से डांट खाया हूँ, क्या ताने मिले हैं भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार इस बॉस के कारण। मैं सच बता रहा हूँ, इस बॉस के कारण ना मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है। लाइक लिटरली मुझे अपने ऑफिस के बारे में कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कोई है ही नहीं यार। मैं हमेशा सोचता हूँ भाई कोई तो रहे जिसके साथ मैं बात कर सकूँ, जिसको मैं कुछ बता सकूँ। मैं घर पे भी अकेला रहता हूँ और मेरे ऑफिस में भी कोई दोस्त नहीं है, और एज सच मेरे जो दोस्त थे वो सारे इधर उधर दूर दूर चले गए, मेरे पास कोई बातचीत करने के लिए है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ यार इतना ज्यादा लोनली फील हो रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। चलो आज तो मैं बॉस के फुल ताने वाने खाया हूँ, असाइनमेंट करूंगा भाई, मेरे पास वैसे भी आज असाइनमेंट काफी सारे हैं। मैं फटाफट घर जाता हूँ, टाइम भी मेरे पास बहुत कम है। चलो भाई घर तो पहुंच गया। अरे ये कौन, अरे क्या एक बच्चा बैठा हुआ है मेरे घर के यहाँ पे, एक बच्चा क्यों बैठा हुआ है, कौन है भाई, ये बच्चा कहाँ से आ गया है भाई, इसके मुंह में मिट्टी मिट्टी लगी है, ये बच्चा मिट्टी क्यों खा रहा है यार, ऐसे लोग ना मेरे को पसंद नहीं है। बच्चे भाग इधर से, तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या, चल भाग जल्दी भाग यार, मेरे को ऐसे बच्चे ऐसे पसंद नहीं है, जल्दी से जा इधर से। मेरा कोई नहीं है, प्लीज मुझे लख लो वरना मैं कह जाऊंगा मुझे पता नहीं है। क्या इसका कोई नहीं है, यार देख मैं रख तो नहीं सकता, और वैसे भी ऐसे बच्चे ना जो भटक जाते, इनको अडॉप्शन सेंटर में रख देना चाहिए यार। एक काम करता हूँ मैं इसको एक दिन के लिए रखता हूँ, आज तो मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, तो कल सुबह मैं इसको अडॉप्शन सेंटर ले जाऊंगा और अडॉप्शन सेंटर में छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है बच्चे एक काम कर, तू आज रात के लिए आ जा हमारे साथ रह ले और तू हमारे बिस्तर पे सो जाना, ठीक है। मैं तो बढ़िया हूँ भाई, पर तू भी बढ़िया से ही रहना, पता नहीं यार मैं किस आफत को अपने घर में ला रहा हूँ, बट अब ऐसे बच्चे को अकेले छोड़ भी तो नहीं सकता यार, बेचारा गेट पे आ गया। चल आ जा अंदर आ जा, इसे भी कुछ खिला पिला दूंगा। और अरे यार शिट मैंने तो अपने डॉग को कुछ खिलाया नहीं, चॉप आई एम सॉरी भाई, मैं ना तुझे कुछ खिला नहीं पाया यार, सुबह सुबह नाश्ता देना भूल गया। तो हर दिन की कहानी है। अरे ये किसका बच्चा घूम गया भाई, भूले भटके बच्चे, ये किसका बच्चा है तू, लगता है रास्ता भूल गया होगा। वैसे मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आई एम वेरी फेमस इन बच्चे लोग का, समझ रहे हो मास्टर। गंदा बुलबुलाल डॉगी, ऐसे डॉगी मुझे पसंद नहीं, गंदू है ये बहुत गंदू। अरे भाई मुझे तो काफी सारे असाइनमेंट करने भाई, जो सुन तू ये छोटे बच्चे का ध्यान रख यार, पता नहीं अभी एक दो दिन का मेहमान है तो उसका ध्यान रख, मैं अपने असाइनमेंट पूरे कर रहा हूँ यार, मेरे पास इतने सारे पेंडिंग काम कहाँ से आ जाते हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है हर दिन मेरा असाइनमेंट पेंडिंग रह कैसे जा रहा है। मैं फटाफट जाके आज सारे काम कम्प्लीट करने वाला हूँ। अरे वाह इन अंकल जी का घर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस पानी में जाऊंगा तो मैं डूबता नहीं जाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं मैं नहाया नहीं हूँ। अरे वाह ये पानी बढ़िया है, लेकिन मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। क्या कहा, डूब रहा है, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ, मैं गिर गया। अरे वाह मैं तो निकल गया, कैसा लगा मेरा मजाक। मजाक कैसा मजाक, ये कोई मजाक करने का समय है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। A few moments later, बेकार बच्चे ऐसा कोई प्रैंक करता है, अभी मैं डूब जाता तो। अरे यार अगर तुम डूब जाते तो क्या ही होता, तुम लाले लाने नहीं लाने का कोई मतलब थोड़ी है। अरे पागल है क्या, मेरे रहने रहने का बहुत मतलब है भाई। अच्छा ठीक है तुम तो दादी हो ना, एक काम करता हूँ मैं एक बॉल फेंकता हूँ, तुम उस बॉल को लेकर आओगे। मैं डॉगी हूँ पर तू मेरा मास्टर थोड़ी है, तेरे फेंकी हुई चीज को मैं नहीं उठाऊंगा, समझा, निकल ले घर से, तुझसे बड़ी तो मैं पार्टी कर देता हूँ, समझा, बाजू हट जा। मुझसे गंदी पार्टी करता है, बहुत बुरा है ये दादी, बहुत ज्यादा बदबू मारता है और गंदी गंदी बातें करता रहता है। ए दादी इधर आजा, दादी आजा, दादी मेरे पास आजा। तू आता क्यों नहीं है, अरे तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्या, अभी काटूंगा ना तो तेरे पूरे 32 से 32 दांत टूट जाएंगे। बुद्धू दादी मैं इतना छोटा हूँ कि मेरे अभी 10 दांत भी नहीं आए है, बुद्धू के हिस्से। अच्छा 32 तो 10 के 10 दांत टूट जाएंगे, समझ रहा है। अरे बुद्धू दादी बच्चों के तो दांत अपने आप टूटते रहते हैं, तुझे तो कुछ नहीं पता है बुद्धू तही थे।
बुद्धू, मैं बुद्धू नहीं हूँ, समझा? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ। अरे यार, ये क्या हल्ला हो रहा है? मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चल रहा है भाई? एक मिनट, ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या यार? ओ भाई, क्या ड्रामा चल रहा है? ये सब करने के लिए मैं तुम लोग को रखा था यहाँ पे? हाँ, चौप, तेरे को मैंने बोला था कि इसका ध्यान रखना, और तू क्या कर रहा है? ऊपर से इसके साथ लड़ाई कर रहा है। अब हल्ला हुआ ना तो बहुत मारूंगा मैं दोनों को। मास्टर, हल्ला तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुझे खाना दे देते तो बढ़िया रहता। अरे सॉरी भाई, मैं अभी लाता हूँ। और ये छोटू, तेरे लिए भी कुछ खाने का ला देता हूँ, ठीक है? अरे बात, थैंक यू। हाँ भाई, वेलकम। यार पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ से आ गया है, इसको फटाफट वापस करना पड़ेगा जहाँ से भी आया है। अभी एक काम करता हूँ, मैं दोनों को कुछ खाने का दे देता हूँ। बेचारा चौप तो कितने देर से भूखा है यार, मैं इस काम के चक्कर में ना घर के सारे काम भूल जाता हूँ। फटाफट कुछ जल्दी जल्दी बनाते हैं। क्या बनाऊ? एक काम करता हूँ यार, जल्दी से जल्दी तो मैगी बनती है, फटाफट ना मैगी बना के ना दोनों को खिला देता हूँ यार। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं खुद भी वही खा लेता हूँ आज। हाँ ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने बना दिया, ठीक है? बची खुची कोल्ड ड्रिंक तो मैं दे दिया हूँ, पीने का मन हो तो पी लेना भाई। और मैं जा रहा हूँ। ओए जॉब, सुन, तुझे जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है? और ओए छुटंकू, तू भी कहीं जगह देख के सो जाना, तुझे सुबह सुबह मैं छोड़ के आऊंगा। और ओए छुटंकू, तू भी कहीं जगह देख के सो जाना, ठीक है? चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे कल फिर से सुबह उठ के जॉब पे जाना है, और मैं कल लेट नहीं होना चाहता हूँ। और भाई मैं कल तो जल्दी आऊंगा, अगर कल मुझसे ओवर टाइम करने को बोला गया ना भाई, मैं जॉब छोड़ दूंगा, इतना बेकार लग रहा है मेरे को। अभी फिलहाल मैं सोने जाता हूँ जल्दी से। मैंने खा लिया, लेकिन मेरा पेट ना ही भरा है, सुबह का भूखा हूँ, अब जाके मिला है तो पेट कैसे भरेगा? अरे ऐसा है क्या? एक काम कर लो दागी, तुम मेरा हिस्से का थोड़ा सा खा लो, मैं तो वैसे भी छोटू सा हूँ, मेरा पेट आधा भरा हुआ है। अरे क्या कहा, तुम्हारे हिस्से का खा लो? अरे वाह, तो थैंक यू, तुम ऐसा बोलते हो तो मैं खा लेता हूँ, बहुत बढ़िया था। थैंक यू छोटे बच्चे, तो तुम बहुत अच्छे हो। डॉगी, तेरे पीछे कॉकरोच है। कॉकरोच? अरे मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। यही तो मेरा प्रैंक है। तुम प्रैंक तो करते हो, लेकिन दिल के अच्छे हो, बढ़िया लगता है मेरे को। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। चलो अच्छा ही है, वैसे भी मैं इस घर में अकेला बहुत बोर होता था भाई, कोई रहता ही नहीं था, मैं अकेले रहता था, और खाना पीना तो मिलता ना ही है। अच्छा है तुम आ गए। जल्दी, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, एक काम करते हैं, हम लोग कहीं जाकर सोते हैं। ठीक है, तुम अंदर जाओ बिस्तर में, मैं बाहर सोता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। The next day. आज तो मैं ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकला, मेरे पास बहुत टाइम है। ओए छुटंकू, जल्दी चल, तेरे को आज मैं एडॉप्शन सेंटर छोड़ दूंगा भाई, फटाफट चल, तेरे को छोड़ूंगा और मैं जॉब निकलूंगा। और गाइस, आज मैं जल्दी जॉब में जाऊंगा और मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा भाई, कितना बढ़िया रहेगा। आजा भाई, जल्दी आजा, मैं फटाफट तुझे एडॉप्शन सेंटर छोड़ता हूँ भाई, इससे कम से कम पीछा छूटेगा। ये दोनों चौप और ये छोटा बच्चा मिल गया ना, काफी उधम मचाते हैं। जल्दी आ भाई। ओ अरे, आ क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं बात करता हूँ मास्टर से। देखो मैं मास्टर को बोल के रहूंगा, अगर तुम चले जाओगे तो भैया मैं फिर से बोर होऊंगा। मास्टर मेरी बात सुनो, वो छुटंकू कहीं नहीं जाएगा। व्हाट? क्या कहीं नहीं जाएगा? मारूंगा पकड़ के तेरे को, उसको जाना पड़ेगा। मास्टर नहीं, अगर वो जाएगा तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मैं बोर होऊंगा। क्या कर रहा है यार पागल आदमी, मेरे पास बहुत भी टाइम नहीं है, 5 मिनट बस और है, इसके बाद मैं लेट हो जाऊंगा। भाई चौप जीत, छोड़, उसको जाने दे, ठीक है? मास्टर अगर ये छोटू बच्चा जाएगा तो फिर मैं भी चला जाऊंगा, हाँ मुझे भी आना ही रहना है। व्हाट? क्या बोल रहा है भाई, इतने एक दिन में ऐसा क्या हो गया तेरे को? मास्टर ये मेरा दोस्त बन गया है, और वैसे भी इतने समय हो गए, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अभी मुझे दोस्त मिला है, क्यों भाई? अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे भाई चौप, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, अपन कैसे बच्चे को संभाल पाएंगे? मैं ऑफिस पे रहता हूँ, तू घर पे रहता है, कौन देख रेख करेगा? क्या बोल रहा है यार, तेरे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, उस बच्चे का कैसे करेंगे अपन, जल्दी बता। ये तो सोचने की बात है, लेकिन मास्टर कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, प्लीज इसे एडॉप्शन सेंटर में मत डालो। अरे यार ऐसे नहीं होता है वो बच्चे, तू बैठ तो यार, नाटक मत कर, तू चुपचाप बैठ, और चौप तू वापस अंदर जा, चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, बाय बाय चौप, हम जल्दी मिलेंगे। नहीं मास्टर, मैं अब यहाँ से उतरूंगा ही नहीं, अगर आप उस बच्चे को यहाँ पे नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं उतरूंगा। अरे यार ये क्या नाटक कर रहा है भाई, देखो नौटंकी करने के लिए यही टाइम मिला गया, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। अरे यार कॉल आ रहा है, शिट, एक काम कर, उतर, चल बच्चे तू यहीं रह, तो मैं आ रहा हूँ तेरे को, तेरे से शाम में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आप बोलो। यार आज तू नहीं ले, कल तेरे को पक्का ले जाऊंगा मैं। चौप के बच्चे, दिमाग खराब कर दिया मेरा यार। और आज मैं अगर ना लेट हो गया ना भाई, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जॉब ज्यादा दिन की बची नहीं है, और मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मेरे को पहले निकाल दिया गया ना तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए भाई उससे पहले कुछ भी हो मैं आज टाइम पे जाऊंगा, इस बच्चे का देखा जाएगा भाई, ये बच्चा वैसे भी जब से आया ना कुछ उल्टा सीधा ही कर रहा है। मैं जा रहा हूँ फटाफट ऑफिस। अच्छा हुआ आज तुम ना ही गए, चलो हम नीचे मस्ती मजाक
करते हैं। अखिल जैसा तुम कहो, मैं तो वैसे भी आजकल बहुत मस्ती करने लगा हूँ और तुम भी मुझे अच्छे लगते हो प्यारे भोंदू दादी। प्यारे तो ठीक है भाई, भोंदू मत बोल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अली तो मैंने कब कहा यू आर नॉट इंटेलिजेंट, पर मैं तुम्हें प्यार से भोंदू बुलाऊंगा। प्यार से ठीक है भाई, प्यार से भोंदू बुला सकता है ना। आज आज हम बहुत मस्ती करेंगे। चलो मास्टर तो घर पर नहीं है, हम सबसे बढ़िया क्या करेंगे पता है, हम टॉप फ्लोर में जाएंगे और वहाँ से जोर जोर से स्विमिंग पूल में छलांगे लगाएंगे। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आएगा, चलो। Later that same evening. चलो भाई फाइनली आज मैं टाइम पे घर जा रहा हूँ। आज तो मेरे पास कोई असाइनमेंट भी नहीं है, फटाफट घर जाऊंगा और सो जाऊंगा। अरे यार वो बच्चा, उस बच्चे के बारे में तो मैं भूल गया था। ठीक है एक काम करता हूँ, कल सुबह सुबह ना फटाफट, कल तो संडे भी है, कल सुबह सुबह निकलूंगा और उस बच्चे को ना फटाक से अडॉप्शन सेंटर छोड़ के आऊंगा और चॉप को पता नहीं चलेगा भाई, एकदम चुपचाप करूंगा मैं कल ये काम। क्या है चॉप जो है छोटा सा डॉगी है यार, वो डॉगी अब किसी से भी अटैच हो जाते हैं, अब मैं उसको कैसे समझाऊंगा। लेकिन मैं उसे चुपचाप कल उठाऊंगा, सब सो रहे होंगे, चॉप वॉप सब सो रहे होंगे, चुपचाप उसे लेकर जाऊंगा और मैं छोड़ के आऊंगा भाई। चलो घर चलते हैं। हाँ भाई फाइनली घर आया, इतना रिलैक्स लग रहा है मैं क्या बताऊं, आई मीन इतना ज्यादा थक के कोई घर आया जब ऑफिस से। भाई बस मुझे एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए और नाश्ता। अरे कितनी बदबू आ रही है यार, ये कचड़ा यहाँ कैसे पड़ा है, मैंने इस कचड़े को नीचे, अरे यहाँ भी कचड़ा पड़ा है, व्हाट, ये कैसे हो गया भाई, मेरे घर पे साफ सफाई रहती है। अरे बाप रे ये क्या है, व्हाट भाई मेरे घर की हालत क्या हो गई किस, अरे ये चौक कब कहाँ है, बाप रे क्या बिखरा के रखे घर को। ओए क्या कर रहे हो तुम दोनों, मास्टर आ गए। अरे मास्टर आ गए, अरे यार हम लोग तो सोचा था कि घर को वापस से ठीक करेंगे, ये क्या हुआ। अरे चौप मैं तुझे बोल रहा था ना कि घर को ऐसे गंदा नहीं करते नहीं करते, तू मानते ही कहा है क्यों, चौप घर को क्यों गंदा किया बता मुझे। अरे पार्टी बदल लिया भाई, तूने जल्दी पार्टी बदल लिया, पार्टी बदल लिया क्या चौप, तू बेवकूफ है क्या, एक तो भाई इतने खर्चे कर दिया तूने, मेरी जॉब की सैलरी नहीं आ रही है, क्या कर रहा है भाई तू। मास्टर ये ना मैं ठीक कर दूंगा ठीक है। पागल हो गया यार, रुक जा मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ यार, एक बार वॉशरूम से आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक। आज ना मैं इन दोनों को अडॉप्शन सेंटर छोड़ के आऊंगा, एक तो चौप पागल हो गया इसके साथ रह रहे के, और बच्चा तो पहले से ही पागल है। 1 मिनट रुको, मैं नहा धो के आ रहा हूँ फिर मैं तुम दोनों को छोड़ के आऊंगा, समझ गए। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। हाँ तू खास नहीं, तू बेकार है यार, मैं बता रहा हूँ ये जब से दोनों मिले हैं ना इतना उधम मचा रहे, पूरे घर को तहस नहस कर दिए है। मैं फटाफट नहाने जाता हूँ इससे पहले कि ना ये लोग और कुछ तोड़ फोड़ दे, यार मैं नहाने जाता हूँ। गाइस मैं तो नहा धो के आ रहा हूँ, लेकिन तब तक अगर आप भी रोज नहा रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, और अगर आप नहीं नहा रहे हो तब तो और सब्सक्राइब बटन दबाओ भाई। अब तो हम दोनों को अडॉप्शन सेंटर छोड़ देंगे, हम क्या करें। एक आइडिया है, काम करते हैं हम दोनों चलते हैं और गाली का हवा निकालते हैं। अरे ये बहुत मस्त बात बोले हो तुम, हमको तुम बहुत पसंद हो। अब मैं इतना भी तो था नहीं, चले चले जल्दी चले चौप जी, अगर वो नहाता आ गए तो हमको छोड़ देंगे, फिर हम दोनों वहाँ पर मस्ती नहीं चल पाएंगे। अली बाप ली बाप, यहाँ पे तो चाल चाल टायल है। एक काम करते हैं, मैं 2 का निकालता हूँ, तुम 2 का निकालो ठीक है। चलो भाई नहा धो के तैयार हो गया, एक काम करता हूँ फटाफट जाता हूँ इन दोनों को छोड़ता हूँ और वापस आता हूँ। अब ना मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है। हाँ ये यहाँ खड़े ना, चलो भाई आ जाओ बैठो, आज से तुम्हारा खेल खत्म है भाई, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम मुझे नहीं मिल रहे हो। चलो चलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अजय चलो चलो मास्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये कैसे चल रही है गाड़ी, अरे यार नहीं नहीं शिट सॉरी 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 भाई, ये क्या हो गया, अरे भाई टायर पंचर है लग रहा है। अरे 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 रोक रोक, अरे ब्रेक किसने फेल कर दिया, अरे भाई उतरो उतरो उतरो, गाड़ी टूट जाएगी लग रहा है। अरे नहीं मेरी गाड़ी को कोई रोको, अरे रुक गाड़ी रुक, अरे यार नहीं गाड़ी बेकार हो गई मेरी भाई, वहां जाके रुकी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना खतरनाक टायर पंचर कैसे हो गया भाई। सिर्फ टायर पंचर नहीं हुआ है, पूरे इसके अंदर पंचर ढीले हो गए, ऐसा क्या हो गया मेरी गाड़ी को यार, आज भी नहीं ले पाऊंगा मैं इन दोनों को, बेकार डॉगी और बेकार बच्चे, रह लो आज आज कहीं नहीं जा रहे हम लोग। ऐसा है क्या मास्टर, ठीक है क्या, ठीक है भाई क्या बेकार लोग हैं ये लोग, मैं जा रहा हूँ सोने, मेरा मूड खराब हो गया यार, ये क्या हालत बना के रखी है घर की, अगर कल सुबह तक ये साफ नहीं हुआ ना मैं बता रहा हूँ दोनों को पूल में डुबो डुबो के मारूंगा भाई, कैसे बच्चे यार ये लोग एकदम बदमाश है। गाइस फिर ऐसे ही वो बच्चा और डॉगी साथ में रहने लगे और काफी साल बीत गए और फाइनली 5
5 साल बाद। अरे जॉब शिनचैन, कहाँ हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अच्छा यहाँ खड़े हो। अरे एक बात बताओ यार मेरे को, अभी मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए ना दुकान से सब्जी लाना है, तो तुम दोनों एक साथ जाओ और सब्जी लेकर आओ, ठीक है? नहीं नहीं, हम आपका सारा काम नहीं कर सकते। नहीं तो आपकी जॉब भी जा चुकी है, अब हम लोग आपकी कितनी मदद करेंगे? अब कुछ है भी नहीं घर में खाने पीने को। अच्छा आज मेरी जॉब चले गए तो तुम लोग मुझसे जवान लड़ा रहे हो, याद है कल जब मैंने तुम्हें पाला पोछा था तब? वो कल का टाइम निकल गया अर्जुन भाई, अरे अब आपके पास कुछ है भी नहीं, हमारी मदद तो करो। भाई मैं कुछ मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, समझ रहे हो? एक काम करते ना, मैं घर से निकल जाता हूँ, ठीक है? निकल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बाय, गुड बाय। बाय बाय मास्टर। अरे बाप रे, देख रहे हो जमाना क्या बदल गया है, दोनों ने मुझे रोका भी नहीं घर से निकलने के लिए। अरे भाई गेट भी बंद कर दिया यार, क्या बंदे लोग है। गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको इस काई की देखना है तो मुझे कॉमेंट से बताओ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।